सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश और उम्मीद छोड़ी नहीं है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद सरकार में मंथन जारी है। बुधवार शाम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अमित शाह से मुलाकात की। सरकार चाहती है कि बातचीत जारी रहे, भरोसा बना रहे। भारत बंद भी हो गया, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो गई, लेकिन सारी मुलाकात के बावजूद बात नहीं बनी। पूरे दमखम के साथ, पूरे एकता के साथ, पूरे इत्तेफाक के साथ ये आंदोलन लड़ेंगे। पूरे भारतवर्ष के लोग लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ MSP जारी रहेगा, जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, टैक्स देगा, APMC में सौदा की जाएगी, जहाँ है किसान है जो कोर्ट में जा सकता है, ऐसी सौदों से बात नहीं बनेगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ लुकाया गया है। जबकि सरकार किसानों की चिंता दूर करने के लिए कानून में बदलाव को भी तैयार हो गई थी, लिखित गारंटी के साथ। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। अब आप विस्तार से ये समझिए कि किसानों की सबसे बड़ी 5 मूल आशंकाएं क्या थी और सरकार उनके समाधान के लिए लिखकर क्या क्या दे रही थी। किसानों की आशंका है कि MSP खत्म हो जाएगा और कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। सरकार कह रही है कि वो MSP की खरीद व्यवस्था के लिए लिखित आश्वासन दे रही है। किसानों की आशंका है कि सरकारी मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ये प्रावधान करने को तैयार है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती है। किसानों की आशंका थी कि अगर कोई विवाद हुआ तो सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प उनके पास नहीं है, जिससे न्याय न मिलने का डर है। सरकार कह रही है कि अतिरिक्त सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। किसानों की आशंका है कि बड़े उद्योगपति उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार कह रही है कि किसान की जमीन पर स्पॉन्सर कुछ बनाने के लिए ना तो कर्ज ले सकेगा और ना ही उसको बंधक रख सकेगा। सरकार के तमाम सिपहसालार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। किसान विरोधी इमेज ना बन जाए, इसलिए कवायद हो रही है। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन इस मोर्चे बंदी से भी बात बनती। मामला कितना गंभीर है इसको इस बात से समझ सकते हैं कि मंगलवार को भारत बंद था और मंगलवार को ही शाम होते होते ये खबर तेज हो गई कि अब गृह मंत्री अमित शाह सीधे किसानों से बात करेंगे। उन्होंने 13 किसान नेताओं से बात की, लेकिन बात रात के अंधेरे में गुम हो। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, जिसके कारण सरकार का लिखित आश्वासन भी काम नहीं आया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।